तौहीदे बारी ताला का माना यह है कि सारी कायनात को रब ने पैदा फरमाया है। नबी पाक ने फरमाया अल खल्क व यालुल्लाह फअहब्बल खल्क इलल्लाह मा अक्सना इला यालही, सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है और अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है जो उसकी मखलूक से प्यार करता है। ये सोच पैदा होगी, सोच जब तू अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को मानेगा तो फिर तेरी तवज्जो जाएगी कि तेरे नबी पाक ने फरमाया है सारे इंसानों को अल्लाह ने बनाया है, कोई अजमी नहीं, कोई अरबी नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अय्याज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए और तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। फरमाया जब तू अल्लाह को मानेगा फिर अल्लाह की सारी मखलूक से तू प्यार करेगा और फिर तू बंदों की तरफ से बेनियाज हो जाएगा। बंदे क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, कोई तेरी तारीफ करे तब भी परवाह नहीं, तनकीद करे तब भी परवाह नहीं, इसलिए कि तेरी तवज्जो रब तआला की तरफ हो गई। तू अल्लाह से अजर लेना चाहता है, अब तू अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अजर लेना चाहता है, अब तेरा सारा ख्याल रब करीम की तरफ चला गया। अब तू यही कहेगा कि बस मेरा रब राजी होना चाहिए। तू मखलूक से प्यार करेगा, तू छोटे छोटे लोगों से मोहब्बत करेगा, तू अश्क शोई करेगा, गरीब परवरी करेगा, इसलिए कि तू समझता है सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा है, मैंने प्यार करना। मेरे आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदे गिरामी बड़ी खूबसूरत बात फरमाते, मुझे दुआ मांगने का तरीका मेरी बीवी ने सिखाया है। हजरत किस तरह, फरमाने लगे एक दिन मुझे उसने कोई काम कहा, कोई जरूरत घर की बताई, तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों में दे दूंगा। औरतों का मिजाज होता है घर के काम उन्होंने बताने होते। फिर दो चार दिन के बाद कहने लगी हजरत वो एक काम कहा था। आप फरमाने लगे अभी जेब में पैसे नहीं है, जरा आते हैं तो कुछ कर देता हूँ। दो चार दिन के बाद फिर अर्ज करती हूँ हुजूर वो मैंने कुछ गुजारिश की थी। आप फरमाते मुझे गुस्सा आया, नाराज हुआ। मैंने कहा तू बार बार कहती रहती है, तुझे बताया तो है अभी मेरे पास पैसे नहीं, कहीं से आते हैं तो दे दूंगा। फरमाते जब मैंने झिड़का तो वो भली मानस रो पड़ी और रो करके उसने लफ्ज कहे तो मुझे रब करीम की तौहीद सिखा गई और मुझे अल्लाह से मांगने का तरीका बतला गई। रो के कहने लगी हुजूर आप ही तो मेरे खामद हैं, बताइए आपसे ना कहूं तो मैं किससे जाके कहूं, कौन है मेरा और मैं किससे जाके कहूं, किसकी किससे जाके मैं कहूं कि मेरा ये गम बांट दिया जाए। आप फरमाते उसने बात कही तो मैं रोने लगा, मुझे कहने लगी हुजूर क्या हुआ आप रो पड़े, तो मैंने कहा समझ आ गई है, जब मैं भी कहूंगा ना मौला मैं बड़ा परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं आजमाइश में हूं, मैं बीमार हूं, ऐ अल्लाह मैं औलाद की वजह से परेशान हूं, ऐ अल्लाह मैं जवान बेटी के सबब से परेशान हूं, ऐ अल्लाह मैं फुला तकलीफ से परेशान हूं, ऐ अल्लाह अमीर जबाना मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाता है, ऐ अल्लाह जायदादों वाले मुझ बेघर को सताते हैं, ऐ मौला जमाने की तेज धूप आ गई है, तू ही मेरा रब है, बता तुझे ना कहूं तो किससे कहूं, तेरी बारगाह में अर्ज ना करूं तो किधर जाऊं, तेरे हुजूर नाज लाऊं तो कहां जाऊं। फरमाते जब मैं यूं रो के दुआ करूंगा तो अर्श का मालिक यकीनन दरवाजे खोल के फरमाएगा मेरा बंदा जो मांगता है इसे फौरन अता फरमा दो, जो कहता है इसे दे दो। भाई तो अल्लाह की बारगाह में झुकेगा, जब तू अल्लाह के तौहीद का तुझे रिजल्ट ये मिलेगा कि जगह जगह झुकने से तू मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते मैं हज के लिए गया, जब मैं मीना मुजदलफा अराफात में गया तो एक आदमी को मैंने लब्बई कहते देखा, अकीदा मुसलमान का कि मेरा रब एक है, मेरा रब एक है, मेरा रब एक है, मेरा मालिक एक है, वादहु ला शरीक एक है मेरा अल्लाह। फरमाते मैंने उस शख्स को देखा लब्बैक 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 पुकारता, वो आदमी जब लब्बैक कहता तो जवाब आता ला लब्बैक तू गैर हाजिर है, वो फिर कहता मैं हाजिर हूं, फिर आवाज आती तू गैर हाजिर है,
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, मैंने मजमे से बाजू पकड़ के बाहर निकाला और मैंने कहा, भाई तुझे पता है जब तू लब्बैक कहता है तो जवाब आता है ला लब्बैक, तू गैर हाजिर है, तुझे पता है? आप फरमाते हैं वो रो पड़ा, कहने लगा मोइनुद्दीन मुझे पता है। मैंने कहा अच्छा? कहने लगा हुजूर 24 साल बीत गए, मैं हर साल हज करने आता हूं, ये मेरा 24वां हज है और हर साल आके कहता हूं लब्बैक लब्बैक, मैं मुस्तफा करीम का वसीला लिए हाजिर हूं, लब्बैक लब्बैक, ये बेनियाज है, हर साल मुझे कहता है ला लब्बैक, नहीं तू गैर हाजिर है, हर साल कहता है। ख्वाजा साहब फरमाते हैं उसकी बात सुनी तो मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा फिर तू हर साल आ जाता है, हर साल ही आ जाता है, 24 साल हो गए हर साल। तो फरमाते उसने तौहीद बयान की तो मेरी चीखें निकल गई, मैदाने आराफात में खड़े होके उसने तौहीद का ऐलान किया तो मेरा वजूद तड़पने लगा, आहें और सिसकियां निकलने लगी। कहने लगा मोइनुद्दीन एक ही तो रब है, यहां ना आऊं तो कहां जाऊं, तू कोई और रब बता दे मैं वहां चला जाता हूं, जब है ही एक, आना ही इसके दरवाजे पे, रखे तब भी ठीक है, ना रखे तब भी इसकी बेनियाजी है यही, कहां जाऊं किसके दरवाजे पे झुकूं, यही मेरा मालिक, यही मेरा खालिक, यही मेरा राजिक। ख्वाजा साहब फरमाते मैं वहां खड़ा था, हातिफ गैब से आवाज आई मोइनुद्दीन तू पीछे हट जा, ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है, तू इसके बीच ना आ, अगर मैंने एक दफा भी कह दिया कि तू हाजिर है तो ये अगले साल आएगा नहीं, मुझे इसका आना पसंद ही बड़ा है, 24 साल हो गए, जिसका भी हज कबूल फरमाया है इसकी लब्बैक की बरकत से कबूल फरमाया। तो भाई याद रखें और समझें, तौहीद ये है कि मैं तेरा हूँ, ऐ अल्लाह मैं मालिक, मैं तेरा हूँ, मैं किधर जा